भाजपा अब चुनावी मोड़ में आ गई है। राजनांदगांव के भाजपा की कोर कमेटी की बैठक, वहां पर हुई बैठक में शक्ति केंद्रों से आए रिपोर्ट पर चर्चा की गई। आगामी 21-22 जनवरी को अंबिकापुर में कार्य समिति की बैठक में चुनावी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन के नेतृत्व में बैठक सम्पन्न हुई। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने स्वागत भाषण देकर बैठक को शुरू किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में बूथ स्तर तक की चेतावनी रणनीति बनाई गई। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में आगामी कार्य योजना, आने वाले समय में होने वाले आंदोलनों के बारे में भी गहन चर्चा हुई। कमेटी बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, धर्मलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार जिन योजनाओं को लेकर चल रही है, उन तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। चाहे वो मुख्यमंत्री की बेहद महत्वाकांक्षी योजना रही हो, जिसको वो बार बार कहते हैं, चाहे वो आवासों की बात हो, इन तमाम योजनाओं में, नल जल की बात हो, किसी भी ऐसी योजना पर जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता, लेकिन जो जनहित का काम है, जनता के फायदे का है, वो जनता को अभी तक नहीं मिल पाता है। और उनके पूरे लोगों की उपस्थिति में, 25 लोगों की उपस्थिति में व्यापक रूप से चर्चा की गई। और हम इस बूथ को जीतते हैं तो क्यों और हारते हैं तो क्यों, और इस बूथ में और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ऐसे समीक्षात्मक बैठक लेके ये सभी लोग लौट के आए हैं और कल अपनी रिपोर्ट देंगे। और कल प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों के साथ आज कोर ग्रुप की भी बैठक हुई थी, जिसमें आगामी जो रणनीति तय किया गया है कि कार्य योजना बनाई गई कि आने वाले समय में क्या क्या आंदोलन हो सके।